हमीरपुर जिले में एक घर के अंदर बाप और दो बच्चों की फांसी के फंदे में झुलसी हुई लाशें मिलने से हड़कंप मच गया है। पत्नी से विवाद के चलते शराब के नशे में धुत पति ने पहले अपने मासूम बेटे और बेटी की हत्या की, फिर खुद भी फांसी में झूल गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है, पर शराब से इस हंसते खेलते परिवार को खत्म हो जाने से पूरा गांव दुखी है। यह है वो घर और जहां शराब के नशे में पिता ने ही अपने दो मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर खुद की भी जान दे दी। एक साथ तीन लोगों की मौत से कोहराम मच गया है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि एक बाप अपने मासूम बच्चों को मार कर खुद की भी जान दे सकता है। मृतक के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने शराब के नशे में अपने बच्चों की हत्या कर खुद की भी जान दे दी। जिले में मोहता थाने के अलीपुरा भवानी गांव में रहने वाले किसान जगरूप सिंह के 5 साल के बेटे अमर सिंह शराब पीने का आदि था। उसके दो बच्चे थे, बेटा 7 साल का प्रियांशु और 5 साल की बेटी प्रांसी थी। अमर सिंह का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी काफी दिनों से अपने मायके में रह रही थी। कल दिन में अमर सिंह शराब पी रहा था और रात में उसने शराब के नशे में अपने मासूम बेटे और बेटी की फांसी लगा दी और हत्या कर दी और खुद भी फांसी के फंदे से झूल गया और आत्महत्या कर ली। आज सुबह 8 बजे जब उसके घर में कोई हलचल नहीं हुई तो परिजनों ने उसके घर के भीतर जाकर देखा तो अंदर दिल दहला देने वाला दृश्य था। बाप और दोनों बच्चों की लाशें फांसी के फंदे में लटकी हुई थी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। दादा, ये आपका लड़का है? हाँ। आपका क्या नाम? जगरूप सिंह। कैसे का हो गया, यानी मार के मरो है कि कोनो ने के हत्या? शराब पी के मरो है, शराब है, मैं बच्चे मार डाली है। पत्नी इसकी कहाँ रहती थी? पत्नी अपने मायके में है। का कुछ विवाद चल? हाँ, पत्नी पति का विवाद, तो जास्ती से बच्चा छीन लिया हुआ है, जास्ती से बच्चा छीन लिया हुआ है। तो कब से यह विवाद चल रहा है? यह इनका विवाद कुल देना से यार है। ये गेते संक्रांत का मतलब पहले गए हैं, एक दिन अब से चले गए हैं, जब से हमारे ठा नहीं आए आई, ये चाहे जहाँ रहे हों चाहे कुछ भी हों, अब आए हैं, यह बच्चा छीन कर आ ले आए हुए। आपको कैसे सूचना मिली? कहेगा कैसे पता चलो कि मर गए? हमें कम से कम 8 बजे लगभग पहले छोट बच्चा रहा हुआ, तो हम क्या लड़का उठ गए, चाय पिया दे दिए हैं, लड़का नहीं निकले आए तो ये बोला खाले साकल लग रहा भी चले, फिर ये खटखटावत रहो है नहीं निकले यहाँ, फिर हमारा डुकरिया गए हुआ खटखटाओ नहीं निकले यहाँ, फिर यह हुआ कि यार देखा तब का सत तब शराब पी गया कि ऐसा सब लड़का तो पे ना होंगे, लड़के चल रहा कुछ कर, फिर यहाँ से फिर हमने गा हुआ मैं एक नाती का लड़का का छोटे का एक ये खर पहल है सुबह का छत गिर गया है वही के खर पहला, तो हुआ लेठाड़ी के दिन है बच्चा लटके देखा आने से प्रधान के सूचना किए नहीं, प्रधान आ हुआ फिर वहाँ से देख के नहीं है, फिर प्रधान गेट खोला हुआ है, हम गेट लगे नहीं सब खुला हुआ है। जैसे मुझे सूचना मिली तैसे मैंने तो तुरंत कोतवाल साहब को फ़ोन कर दिया कि साहब मेरे यहाँ एक दुर्घटना हो गई है और 3 बाड़ी फांसी में लटक गई हैं। कोतवाल साहब ने क्या लगता है किसी ने मार के इनको टांग दिया या नहीं? लगता है कि ये टेंशन में माता पिता के दारू वारू पीता था, बच्चे ले आया था जबरदस्ती ससुराल से, तो ये टेंशन में मरा, किसी ने मारा नहीं है। पत्नी यहाँ नहीं रहती थी? पत्नी नहीं रहती थी वहाँ से, बच्चे नहीं थी नहीं, अभी लगभग 2 महीने पहले जा चुकी थी मकर संक्रांति में। घरेलू विवाद है? ना, घरेलू विवाद नहीं था। फिर क्यों फांसी लगाई? अब दारू पीता था क्या बताएं, बच्चों को तो नहीं मार सकता ना? नहीं मार सकता है, पता नहीं कि कैसे मूड हो गया उसका, कैसे ना मूड हो गया, भी हो सकती है। कुछ नहीं कहा जा सकता है, बिना बगैर देखे हम कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कैसे क्या हुआ है। थाना मौदहा में भवानी गांव पड़ता है, यहां पे एक व्यक्ति है अमर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष की है।
आज ये सूचना मिली, इनके परिवार द्वारा ये सूचना दी गई कि इनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। और उससे पहले इनके जो दो बच्चे थे, एक बेटी है जिसकी उम्र लगभग 5 वर्ष है और एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, इनकी भी हत्या इनके द्वारा कर दी गई है। मौके पे यहाँ थाना पुलिस और फील्ड यूनिट बुलाई गई है, इनके द्वारा विधिक कार्रवाई की गई है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अभी तक जो पूछताछ में बात सामने आई है, इनके पिता से, भाई से, गांव वालों से जो बात की गई, इनके द्वारा यह बताया गया कि इनका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था जिससे ये परेशान थे, और साथ ही साथ कुछ शराब पीने की भी बात बताई गई है। तो इस संबंध में और विस्तृत जांच की जा रही है, बॉडी को कब्जे लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.